अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और अब है ना कोचिंग जा रहा है, क्योंकि इसका 5 बजे सुबह में ही कोचिंग है और उसके कोचिंग से आएगा तब ये भी स्कूल जाएगा। और साक्षी श्रेया अभी मुँह धो रही है, ये सब भी अभी स्कूल के लिए निकलेगी। और मैं उठ करके डायरेक्ट बैठ गई दोस्तों भुजिया काटने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, अभी मॉर्निंग का समय है और वो सबका जो है ना स्कूल जाने का टाइम है, इसलिए दोस्तों मैं लंच का तैयारी कर रही हूँ। जो बच्चे सबको टिफिन दूँगी ना वही तैयारी कर रही हूँ। और देखिए यहाँ आलू लेकर बैठी हूँ भुजिया काटने के लिए। जल्दी जल्दी भुजिया और रोटी बनाऊँगी और वो सबको दूँगी लंच। वो सब जाएगी 6 बजे तक स्कूल और अभय का स्कूल है 7 बजे। तो लंच तैयार कर लूँगी तो बस 3 बच्चे लेकर के जाएंगे स्कूल। और अभी वो सब जो है ना बाहर में मूड हो रही है। मॉर्निंग का टाइम वाला स्कूल जो रहता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बस सो के उठिए, झाड़ू और भी नहीं लगाए हैं अभी घर में और बैठ गए हैं आलू काटने के लिए, क्योंकि बच्चे की टेंशन है, वो सब जाएगी स्कूल। तो चलिए भुजिया काट लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगी। और इधर मैं भीड़ गई लंच बनाने के लिए और श्रेया जो इधर इस रूम में तैयार हो रही थी, अपना बैग में कॉपी किताब रखी थी। और साक्षी भी देखिए दोस्तों रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, साक्षी श्रेया स्कूल जा चुकी है। और देखिए मैं फेस पर क्या लगाई हूँ, अभी जो है ना एलोवेरा लगाई हुई हूँ फेस पर और बाल में भी थोड़ा बहुत लगाई हूँ। और पूरा जो है देखिए मैं फेस पर लगाई हूँ एलोवेरा। और अभय जो है दोस्तों अभी तैयार हो रहा है, अभी समय होने चला है 7:15। ये देखिए भाई अभी रेडी हो रहा है और इसका खाने का तैयारी जो है ना मैं इधर कर रही हूँ। ये जो है दूध मुढ़ी खा करके जाएगा। यहाँ देखिए मैं मुढ़ी निकाल चुकी हूँ और इधर जो है दूध गर्म हो रही है पतीले में। तो ये देखिए दोस्तों अभी बज चुके हैं पूरे 7। अब जा रही हूँ मैं अभी को स्कूल छोड़ने के लिए। देखिए ये कह रहा है कि लेट हो गया और मैं कह रही हूँ चले जाओ अकेले स्कूल। तो नहीं, अकेले नहीं जाएगा, मुझे भी साथ में जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए। और मैं मुंह पे एलोवेरा लगाई हूँ तो पता नहीं बाहर आदमी सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरी चाय बन चुकी है। चलिए अब बैठ के इसे पी लेते हैं, तब जाऊंगी मैं चूल्हा पे खाना बनाने के लिए। अभी जो है पहले चाय पी लेती हूँ, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। तो मॉर्निंग के टाइम में चाय मिल जाए तो क्या बात है। और मेरे हस्बैंड जी जो है ना आ गए इधर खेत में काम करने के लिए, वो भी चाय पानी पी चुके थे। दोस्तों मैं उतना आप सभी को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि अकेले वीडियो शूट करनी होती है ना, सभी चले जाते हैं अपने अपने काम पर, बच्चे सब रहते नहीं हैं घर में और मैं काम में लग जाती हूँ तो वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ, इस वजह से मैं छोटी छोटी बातें नहीं दिखा पाती हूँ। और देखिए इधर ये काम कर रहे हैं और मैं लग गई अब दोस्तों खाना बनाने के लिए। ये देखिए दोस्तों मैं आज बैठ करके जो है आंगन में क्या बना रही हूँ। देखिए आज मैं बनाऊंगी दोस्तों कढ़ी बड़ी। अरे मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा है, 2 दिन से ऐसा दिन तो कर ले है बारिश वाली, पर बारिश हो नहीं रही है। हम नहा लेकर काटिए ना प्याज। देखिए ये प्याज धो कर के लाए हैं, प्याज का कचड़ी बनेगा और सादा बड़ी भी बनेगा। तो सादा बड़ी जो बना रही हूँ ना दोस्तों वो बच्चे सब खाएंगे, क्योंकि बच्चे सब कचड़ी वाली सब्जी पसंद नहीं करती है, इसलिए बच्चे सब के लिए सादा बड़ी और हम लोग के लिए कचरी। ऐसे चौरा वाला काटे ना, लंबा लंबा। ये देखिए दोस्तों हमारी बड़ी बन चुकी है। देखिए छोटी छोटी बड़ी बनाई हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए। और इधर जो है देखिए प्याज की भी कचरी जो है बन चुकी है, ये देखिए है ना, प्याज की भी कचरी बन चुकी है। अब मैं प्याज भून रही हूँ, ये देखिए छोटा छोटा टुकड़ों में काट करके ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी जो है ना दोस्तों मैं इसमें तैयार की हूँ, इसमें जो है बेसन है, दही है, लहसुन है, मिर्ची है, हल्दी है और नमक अभी नहीं डाली हूँ, वो सबसे लास्ट में डालूँगी पानी डालने के बाद। ये सब मैं रेडी कर चुकी हूँ। और कबूतर सबको देखिए तो खाने के लिए जो कैसे किस तरह से मतलब कर रहा है, तभी से इतना परेशान कर रहा है ना ये सब। आपको देखिए थाली में भी चल जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये कबूतर सब परेशान करती है मुझे, इसलिए दोस्तों ये सबके लिए ना लंबा डंडा बना के रखेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, उसी समय कबूतर सबको भगाते हैं। ये देखिए
इसे अच्छे से मिला लेते हैं, नहीं तो ये जो है ना तुरंत जम जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं बेसन को अच्छे से भूज करके पूरी जो है ना लाल कर ली, और बेसन अच्छे से नहीं भूजिएगा ना दोस्तों, इसमें सेंट नहीं आती है कढ़ी वाली। तो देखिए ये अच्छे से भून गई है, तो चलिए इसमें ग्रेवी के लिए जो है ना पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें ग्रेवी डाल चुकी हूँ। देखिए चूल्हा के आँच पर जो है ना बहुत ही जल्दी बन गई ये सब्जी, नहीं तो गैस पर बनाती ना तो बहुत लेट लगती। इसमें ग्रेवी में डाल चुकी हूँ, जब इसमें उबाल आएगी ना तब ये बड़ी सब मैं उसमें डाल दूँगी। और ये कबूतर से तो देखिए अभी भी परेशान इतना कर रहा है कि ये देखिए दोस्तों, अब मेरी ग्रेवी जो है ना होने ही वाली है। और बड़ी देख लीजिए, बड़ी को मैं ना एक एक करके तोड़ के रख ली हूँ। मैं इसलिए तोड़ी हूँ दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो है ना ग्रेवी अच्छे से चले जाए और ये बड़ी जो है अच्छे से फूल जाए, तो खाने में जो है ना टेस्टी लगती है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, मेरी ग्रेवी जो है ना उबाल आ चुकी थी ग्रेवी में, अब उसके बाद मैं इसमें बड़ी डाल दी हूँ। देखिए वो प्याज की कचरी है जो काली काली नज़र आ रही है, हल्के से लग गई थी दोस्तों प्याज की कचरी। और ये जो है सादा बड़ी है, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी अब रेडी हो चुकी है पूरी तरह से। तो चलिए इसे अब घर में निकाल उतार करके रख देते हैं, उसके बाद चढ़ाएंगे दोस्तों चावल। और जानते हैं दोस्तों मैं चूल्हा पर खाना क्यों अब बना रही हूँ, क्योंकि देखिए झरना जो है कितना ज़्यादा इधर जमा हो गया, इधर भी जमा हो गया और उस साइड भी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इतने दिन में नहीं ना जला पाई थी। ये देखिए दोस्तों, मेरे आंगन में जो कितना सारा जंगल हो गया है। अभी चूल्हा पहले खाना बनाती थी पर सिलाई की वजह से इस जो है ना इस बीच में मैं नहीं जला पाई जरना। ये देखिए इधर भी, इधर पत्ता सारा जो जमा हो गया है, बहुत सारा पत्ता सब जमा हो गया है, क्योंकि देखिए कितना सारा पेड़ अथी है ना आंगन में पेड़ सब। देखिए और ये अत्ता का तो देखिए सारा जो है ना पत्ता झड़ ही चुका है, एक जरा भी नहीं है। वही सब का पत्ता सब जो है इधर मैं जमा करके रखी हुई हूँ। अब धीरे धीरे करके जो है सारा मैं चूल्हा में जला करके ख़त्म कर दूंगी। और सिलाई की वजह से दोस्तों मैं वो जरना जो नहीं जला पाती है। देखिए अभी जो है अभी भी कपड़ा पड़ा हुआ है, अभी अब ज़्यादा नहीं है, कम है। इधर लगन थी ना शादी की ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास कपड़ा आ गई थी। बस दिन रात जो है मैं सिलाई में ही लगी रहती थी, इस वजह से दोस्तों मैं इधर वीडियो भी नहीं पोस्ट कर पाई। आप देखे ही होंगे जो है अभी 10-12 रोज हो गया वीडियो पोस्ट किया हुआ, पर अभी तक जो है नहीं बना पाए हैं। सुबह उठती थी दोस्तों और मैं बैठ जाती थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाती थी कि मैं उधर चूल्हा पर खाना बनाऊँ। चूल्हा पर खाना बनाने में जानवे करते घर से बाहर, बाहर से घर, ये करने में जो है लेट हो जाती थी। इस वजह से दोस्तों इतना सारा झरना जो मेरे आंगन में जमा हो गया। अब धीरे धीरे मैं खाना बना करके ये सारी झरना जो ख़त्म कर दूँगी और आंगन को पूरे क्लीन कर लूँगी। और अभी टाइम देखिए दोस्तों 11 बज रहा है। देखिए और मैं अपना घर और कुछ नहीं साफ़ की हूँ, देखिए अभी उसी तरह से पड़ा हुआ है। ये रूम भी, बच्चे सब भी अभी स्कूल गए हैं, तो देखिए ये सब भी अभी बेड उड सब पड़ा हुआ है, अभी मैं नहीं साफ़ की हूँ, क्योंकि अभी इधर मैं खाना बना रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं घर साफ़ करूँगी। देखिए अभी ये सब कपड़ा जो पड़ा हुआ है देख रहे हैं, नीचे प्लास्टिक में भी है, यहाँ भी है। और ये देखिए राधे कृष्णा का, दोस्तों अच्छी लगी आप सभी को। ये जो है ना मेरी बहन की बेटी जो है ना महिमा, वो बनाई है, आई थी ना मेरे यहाँ कुछ दिन के लिए, तो वही बना के गई है। बोली मौसी जब भी देखोगी तो मुझे याद करोगी। वाकई दोस्तों मैं इसे देखती हूँ ना तो बस उसकी मुझे याद आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, मेरी चावल में भी अब उबाल आ चुकी है, मैं इसमें चावल मिला चुकी हूँ। ये देखिए है ना चावल, कुछ देर में मेरी चावल भी पक जाएगी। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, चलिए इसे कम कर देते हैं। ये देखिए, और जब तक मैं दोस्तों अदहन चढ़ाई थी ना गर्म होने के लिए, तब तक मैं अपना रूम भी साफ़ कर चुकी हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और मैं गेट लगा के रखी हूँ कबूतर सा के कारण, कबूतर सा घर में घुस के जो है ना लैट्रिन कर देती है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। ये देखिए मैं अपना रूम भी क्लीन कर चुकी हूँ। देखिए ये बच्चे का बेड है, मैं झाड़ चुकी हूँ अच्छे से, बेड को सेट कर चुकी हूँ। और ये है मेरा रूम, देखिए रेक सब जो लगा हुआ है ना दोस्तों, इस वजह से लगता है पूरा घर जो है कपड़ा से भरा हुआ है। देखिए क्योंकि पहले कपड़े की दुकान थी ना वो, तो आप सभी जानते ही हैं, मेरी पिछली वाली वीडियो सब देखते होंगे तो आप सभी को पता होगी। दुकान खाली करके जो रेक घर के अंदर ही ले आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ चावल के पास, नहीं तो सारा पानी जो चूल्हा में गिर जाएगी। और गेट को लगा देते हैं। तो देखिए चलिए अब यहाँ बैठ जाते हैं चावल देखने के लिए। तब जाएंगे तो आटा खान के रोटी बनाएंगे, क्योंकि वो चावल नहीं खाएंगे, पहले रोटी खाते हैं बाद में चावल खाएंगे।
बस थोड़ी सी ही चावल खाते हैं, ज़्यादा नहीं। ये देखिए दोस्तों 12:20 अभी हो चुके हैं और ये सब जो स्कूल से आ चुकी है रातें मतलब टूट पड़ी है खाने को, देखिए क्योंकि भूख लग चुकी थी बहुत ही ज़्यादा। सुबह हम तो खा के नहीं जा पाती है, चूड़ा का भुजा दिए थे ये सबको लंच। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं न्यूज़ देख कर के मोबाइल में। तो मैं भी बैठी थी दोस्तों अभी खाने के लिए, मैं खा करके उठ चुकी हूँ और ये सब अभी खा ही रही है और हस्बैंड जी भी अभी खा ही रहे हैं। अब मैं जाऊँगी कपड़ा धोने के लिए क्योंकि इतने दिनों से कपड़ा नहीं ना धो रही थी तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। कपड़ा भी धोऊँगी उसके बाद बैठूँगी सिलाई करने के लिए। अभी भी थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हुआ है, देखिए ये सब कपड़ा जो है ना धोने के लिए है। कुर्सी पर जो रखी हूँ ना ये सब कपड़ा धोऊँगी, अभी आराम एक जरा भी नहीं है दोस्तों। चलिए ये सबको मोबाइल दे देती हूँ क्योंकि ये सब मांग रही है कहानी देख करके तब ये सब खाना खाएगी। ये देखिए दोस्तों अब दोपहर के 1:00 और मेरे हस्बैंड जी जो है अभी अपना सामान बांध रहे हैं बाइक पर। ये देखिए निकलेंगे अब ये काम पर। और मेरा बाबू क्या कर रहा है अब है, ये भी स्कूल से आ चुका है, देखिए ये यहाँ जो है ना दूध गर्म कर रहा है अभी, देखिए जानते हैं ये दूध क्यों गर्म कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसे ना कॉफ़ी पीनी है। देखिए ये बच्चा को कितना सुंदर घर में खाना बना हुआ है पर ये खाना नहीं खाएगा अभी। इसमें थोड़ा धो के डालो, अभी तो कितना ज़्यादा दूध है इसके अंदर, धो के डालो थोड़ा सा, सारा मलाई उसी के अंदर साइड साइड में। कल भी ये बना करके दोस्तों पिया था कोल्ड कॉफी, कल हम नहीं पिए थे क्योंकि मैं सिलाई कर रही थी। आज आज से ले लूँगी, आज बढ़िया से, आज मैं भी चखूँगी कैसा लगता है। आज तो बढ़िया से, तभी बच्चे का भी बना हुआ चीज़ जो है ना खा लेना चाहिए, तो मैं तो पीऊँगी आज। कैसे कैसे ये जो है ना कर रहा है, पानी गर्म करके उसमें डालेगा उसके बाद दूध ठंडा करके डालेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता था इस तरह से कॉफ़ी भी बनाई जाती है। मैं तो जब भी बनाती हूँ दोस्तों दूध में कॉफ़ी डाल के चीनी डाल के उसे पूरी तरह से खोला देती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं पीती हूँ। देखिए कैसे फिर हम जल्दी से बनाने देते हैं उसके बाद पियेंगे हम। देखिए दोस्तों ये दूध गर्म करते करते क्या किया, पूरा तरह से दूध जो है गिरा दिया है। देखिए इसे तुम की है, तुमने कितना कौन किया थे, कितना ज्यादा दूध जो है गिरा दिया, दो टाइम का जो है ये दूध गिरा दिया है नीचे में सारा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सिलाई करने के लिए। मॉर्निंग से 1:00 तक तो आप देख ही लिए कि मेरे घर में क्या क्या होता है। और आप कितना भी अकेले रूम सरिया लीजिए दोस्तों, बच्चे सब के आने के बाद जो ना फिर से रूम उसी तरह हो जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।